रोहिणी जिले के डीसीपी डॉक्टर गुरइकबाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए स्पेशल स्टाफ की टीम इलाके में लगातार गश्त कर रही थी। वीरवार को उनको सूचना मिली कि जहर खुरानी गैंग के दो बदमाश इलाके में आकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर मौके पर घेराबंदी की और दोनों आरोपियों के भागने से पहले ही दबोच लिया। जिले के डीसीपी के मुताबिक आरोपी पहले ई रिक्शा किराए पर लेते थे, उसके बाद रास्ते में रोक कर चालक से बातचीत करते हुए उसे खाने व पीने की चीज में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया करते थे। इसके बाद आरोपी चालक को सड़क पर ही बेहोशी की हालत में छोड़कर रिक्शा लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पकड़े जाने के बाद आधा दर्जन वारदातों का खुलासा करने का दावा किया है। इसके अलावा आरोपी में शामिल अब्दुल पहले भी 8 वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस अब इन आरोपियों से ये पूछताछ करने में जुटी है कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल है। इसके अलावा पुलिस ये भी तफ्तीश करने में जुटी हुई है कि वो लूटा हुआ रिक्शा कहाँ और किसको बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अब्दुल गनी और दिल मोहम्मद नाम के दो शख्सों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक जहर खुरानी गैंग से संबंध रखते हैं। ये जेजे कॉलोनी बवाना के रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ई रिक्शा हायर करते थे, ई रिक्शा वाले को रस्ते में बिस्किट या चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको बेहोश करके फिर ई रिक्शा लूट के ले जाते थे। इनके अरेस्ट के बाद टोटल 6 केसेस वर्कआउट हुए हैं, जिसमें साउथ रोहिणी, बवाना, नरेला इंडस्ट्री एरिया, भारतनगर और कोतवाली के केसेस हैं। इसके अलावा 3 ई रिक्शा इनसे बरामद हुए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्रिमी टाइम्स को, और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।